हेलो आर यू ऑल कैसे हो आप सब हेलो तो जी मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज जो है वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ तो मैं आपसे आज ये डिस्कस करूँगा कि मेरे जो है वो इधर कैलगरी में मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का ये मेन मोटिव ये है कि जो इधर कैलगरी में शिफ्ट हो रहे हैं ना उनको ये एक ना रफली एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारे जो है अगर हम कैलगरी में शिफ्ट होते हैं तो हमारा जो है वो रफली एक्सपेंसिस क्या होंगे वैसे तो देखो हम चलो टू बेडरूम और टू वॉशरूम अपार्टमेंट में रहते हैं चाहे आप बेसमेंट में भी रहो चाहे अपार्टमेंट में भी रहो यहां पे कैलगरी में सारे प्राइजेस सेम ही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्योंकि जो है वो चलो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए चलो ये बताता हूँ आपके जो है वो हीट और वाटर इंक्लूड होता है जहां जब आप जहां पे जो है अपार्टमेंट में रहते हो ठीक है हम हमारा जो है वो Uh, जैसे uh, अगर आप बेसमेंट में रहते हो ना तो वो जो है यूटिलिटीज़ के अलग चार्ज अलग चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना बेसमेंट और अपार्टमेंट्स के जो है वो सेम ही चार्जेस पड़ जाते हैं उसके साथ सारी मैं अपने जो है जो हम मंथली अपने स्पेंड करते हैं हर एक हर एक तरह से ग्रोसरी से हर एक मतलब टोटल जो आप स्पेंड करते हैं तो वो मैं आपसे जो है वो इस ब्लॉग में सारा डिस्कस करूंगा तो चलो जी करते हैं व्लॉग स्टार्ट पहले तो जी सबसे मेन आता है रेंट तो हमारा जैसे कि आपको मैंने बताया ही है टू बेडरूम और टू वॉशरूम का हमारा अपार्टमेंट है तो हम जो है वो यहाँ पे पे करते हैं अपना रेंट जो है वो सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी डॉलर पर मंथ का तो जिसमें जो है वो हमारी वाटर और हीट इंक्लूड है और हम जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का पे करते हैं अलग से ठीक है तो ये ये जो है वो वाटर और हीट का जो है वो सारा ये अपार्टमेंट की बिल्डिंग जो मैनेजमेंट है वही सारा देखते हैं जी तो हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी uh, का जो uh, पर मंथ का बिल आता है वो करीबन करीबन सेवेंटी डॉलर पर मंथ का आता है बाकी मेरे को इतनी डिटेल नहीं पता कि कितने पर यूनिट होता है क्या है कुछ है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि सेवनटी डॉलर पर मंथ हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पे करते हैं बाकी ऊपर नीचे चलता रहता है जैसे जो है वो विंटर्स में थोड़ा ज्यादा आ जाता है समर्स में आप लगा लो कि दस डॉलर कम होगा मतलब समर्स में सिक्सटी डॉलर आ जाता है पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड बिल जो है वो विंटर में सेवेंटी डॉलर तक आ जाता है जी हमारा जो है वो अब नेक्स्ट आता है इंटरनेट का ठीक है इंटरनेट का हमारा जो है वो जो होम इंटरनेट है ठीक है होम इंटरनेट का हम पे कर देते जो है वो अनलिमिटेड है हमारा एटी डॉलर पर, पर मंथ का ठीक है तो एटी डॉलर हम पर मंथ का इंटरनेट का अपना पे करते हैं बाकी जो है वो हमारे मोबाइल्स के भी अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा मोबाइल्स का ठीक है मोबाइल्स के बिल हम पे करते हैं अराउंड uh, हमारा विद टैक्स आ जाता है फिफ्टी uh, सिक्स डॉलर मतलब दोनों के मिला के मैक्सिम हंड्रेड टेन डॉलर हाँ मतलब फिफ्टी सिक्स डॉलर ईच हिमानी और मेरा जो है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स तो जो है वो हम मंथली हमारा मोबाइल का बिल ऐसा है तो कोई बात नहीं मैं आपको सारे एक्सपेंसिज एक बार ही सारे मैं बता दूंगा जो हम अप, अपने जो है वो पे करते हैं बाकी मैं पूरा आपको ना एंड में एक टोटल बता दूंगा कि भाई हमारे जो है वो टोटल इतना हम मंथली जो है हमारे एक्सपेंसिस जो है वो इतने हैं बाकी आप जो अपनी कंट्री जहाँ जहां आपने कैलकुलेट करना है वो अपने हिसाब से कर लेना तो जैसे कि मैंने बताया मंथली बिल मैंने आपको बता दिया तो नेक्स्ट है हमारा जी ग्रॉसरी का बिल अब देखो सभी को पता ही है कि कनाडा में ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा हाई चली गई है तो जो है वो अब पहले के साथ में कंपैरिजन करूँ तो बहुत ज्यादा हाई है तो जी मैं हम जो है वो ग्रॉसरी का जो है वो हम जो स्पेंड करते हैं पर मंथ का ऑलमोस्ट हमारा जो है वो ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर तक चला जाता है क्योंकि चलो बच्चे भी हैं ठीक है जैसे हम दो हैं और हमारे दो बच्चे हैं तो जी हमारा ग्रॉसरी का बिल जो है वो ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर तक चला जाता है पहले बहुत कम था जब हम कैनेडा आए थे तो उसके बारे में मैं खैर अलग व्लॉग बनाएंगे नेक्स्ट कोई और बनाऊँगा कंपेरिजन करेंगे तो अभी जो है वो मैं हम जो पे करते हैं हम हमारा जो है मंथली जो ग्रोसरी का है वो है ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर और हमारा नेक्स्ट जो है वो जो कि सारी कि सारी की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसका हमारा मैक्सिमम आता है 500 पर मंथ वो हिमानी बताएंगे क्योंकि, <laughs> क्योंकि क्योंकि मेरे में बताने की हिम्मत नहीं है ये फिर मेरे को बोले चलो खैर हमारा जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग क्योंकि हम सारी अब डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आ, कि चलो खैर ऑनलाइन शॉपिंग तो एक एक एक्स्ट्रा हो गया ना जो हम स्पेंड करते हैं वो फाइव हंड्रेड डॉलर है कोई जो है वो नहीं स्पेंड करेंगे कोई कम स्पेंड करते हैं कोई वो आपसे आप अपने वेरी कर लेना अपने हिसाब से तो हम अपना डिस्कस करने आए तो हम अपना जो है वो आपके साथ सारा मंथली एक्सपेंसिस जो है वो सारा डिस्कस करेंगे तो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का जैसे ही मैंने बताई है कि फाइव डॉलर है अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है ये मेरा टॉपिक है कार के बारे में ठीक है यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि कनाडा में हम जो है वो पर मंथ अपनी कार इंश्योरेंस पे करते हैं तो मेरी जो है वो कार की इंश्योरेंस जैसे कि मेरे पास है सी आर है मेरे पास तो मैं उसकी पर मंथ की इंश्योरेंस जो है पे करता हूँ टू डॉलर पर मंथ की तो देखो पता क्या बात है हमारे इंडिया में ये आप लगा लो ना जो टू टू एटी डॉलर में पर मंथ की इधर पे कर रहा हूँ ना तो हमारे इंडिया में जो है वो ये साल की पे होती थी ये बहुत फर्क है कनाडा और इंडिया के अगर मैं कंपैरिजन करूं क्योंकि मैं इंडियन हूं मैं इंडियन के हिसाब से कंपैरिजन करता हूं इसलिए तो 280 डॉलर मैं पर मंथ की इधर इंश्योरेंस पे करता हूं बाकी रही अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट आती है जी हमारी जो है वो कार की इंस्टॉलमेंट तो कार की इंस्टॉलमेंट हमारी चली जाती है जो है वो फोर के करीब जो है वो चली जाती है कार की इंस्टॉलमेंट पर वो भी पर मंथ की तो मैंने जो है वो अपनी सी आर साल पहले बाई करी थी तो उस टाइम मतलब बहुत अगर हम कंपैरिजन करें आज के प्राइस में सी के प्राइस में और मैंने सी ली थी टॉप मॉडल से एक एक नीचे ठीक है तो अगर मैं अभी के कंपैरिजन करूं तो वो उसकी जो है वो अब मैं 400 पे कर रहा हूं अब मेरे ख्याल से 600 तक होगी पर मंथ की या 550 या 600 तक होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है पहले की जब मैं टू में हमने बाई करी थी ना सी आई बी है ना टू थाउजेंड और अब चल रहा है 2023 ठीक है पांच साल की ठीक है पांच साल में बहुत ज्यादा फर्क आ गया तो जी हाँ डेढ़ सौ डॉलर तक फर्क आ गया है जो मैं इंस्टॉलमेंट अपनी कार की पे करता हूँ अब बहुत ज्यादा प्राइस हाई हो गए हैं तो मैं फोर पे करता हूँ तो वैसे तो मेरी कार अभी मैं चलो डिटेल में बताता हूँ वैसे तो मेरी कार लीज पे है अब मेरी कार की लीज फिनिश हो गई है तो मैं 400 डॉलर पे करता था अभी तो पहले मैं फोर हंड्रेड डॉलर पे करता था अभी महीना पहले मेरी लीज खत्म हुई है तो जी ये है हमारी जो है वो टोटली मैंने आपको बता दी ये थे हमारे मंथली एक्सपेंसेस और मैं आपको टोटल करके बता देता हूँ कि हम जो है वो पर मंथ का क्या पे करते हैं जो उनके घर हैं वो तो और भी ज़्यादा पे करते हैं उन्हें हमारे से तो मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया टू बेडरूम और टू वॉशरूम का अपार्टमेंट है मेरा और सारी मैंने आपके साथ सारी डिटेल अभी शेयर कर दी है तो जो है मैं आपको सारी एक बारी टोटल करके बता देता हूं कि मेरे जो है वो डॉलर्स में पर मंथ का कितने स्पेंड करता हूं बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना ठीक है कि आप कितने के उसमें लेस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है तो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल कितना है तो ये जो मैं हम पर मंथ का स्पेंड करते हैं अपने पे हमारे पूरे एक्सपेंसिज टोटल मिला के जो है वो फोर्टी डॉलर हम पे करते हैं ओ माई गॉड जैसे कि अब मैं इंडिया से अगर कंपैरिजन करूं तो मतलब करीबन करीबन तीन लाख के करीब हो गया पौने तीन लाख तीन लाख के करीब हो गया जो मैं मंथली जो है वो कनाडा में स्पेंड करता हूं तो जी ये थे हमारे क्योंकि मैंने ये बहुत जरूरी था मेरे लिए आपसे डिस्कस करना क्यों क्योंकि अब जैसे कि बहुत तेज़ी से लोग वैंकूवर से और उनठानियों से लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से इधर शिफ्ट हो रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा या कोई डायरेक्ट अपनी कंट्री से इधर शिफ्ट होते हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई हम हमारा जो है वो कितना खर्चा आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि भाई बेसमेंट और अपार्टमेंट का सेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है रेंट ना तो आपको ठीक है इसके हिसाब से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमारा जो है वो मंथली एक्सपेंसेस अगर हम कैलगरी में जाते हैं तो हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे और आपके लिए जो है वो बड़ा बेनिफिशियल होगा एक रफली आपके लिए जो है वो फिगर बन जाएगी देखो ये है हमारी फैमिली का एक्सपेंसिस ठीक है तो यही ये नॉलेज जो है वो मैंने सोचा मैं क्या चलो यार इसके बारे में व्लॉग बनाता हूँ होप कि आपके लिए ये व्लॉग बेनिफिशियल होगा तो इसी के साथ जो है वो इस व्लॉग का इधर ही करते हैं एंड होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में हमारा चैनल और हमारी वीडियोस प्लीज़ शेयर करते रहिए और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना आ, तो जी इसी के साथ इस व्लॉग का कर करते हैं एंड तो आगे भी मैं आपके लिए जो है वो ऐसी नॉलेजबल वीडियोज़ और ब्लॉग्स जो हैं वो लाता रहूँगा और जो भी मेरे को लगेगा कि मैं आपके साथ शेयर कर करना जो है वो आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो मैं आपको आगे भी जो है वो इंफॉर्मेशन देता रहूंगा कैनेडा के बारे में तो इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं तो फाइनली करते हैं बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय